नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। सबसे पहले हम खबर आपको देंगे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में। जनता को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का सम्मान करो, उनके पास एटम बम है। राहुल गांधी को हम बताना चाहते हैं कि बीजेपी वाले एटम बम से डरने वाले नहीं है, पीओके भारत का है, रहेगा और हम इसे लेकर रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के नेता कहते हैं कि पीओके हमारा है, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। एटम बमों से देश के मसले हल नहीं होते हैं, एटम बम जैसे वर्ज इरादों से होते हैं जो नरेंद्र मोदी के पास है। भाइयों बहनों, इन लोगों की मानसिकता देखिए। पाकिस्तान के पास एटम बम है तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर दे देंगे। अरे भाई, एटम बमों से देश के मसले हल नहीं होते हैं, नेता के एटम बम जैसे वज्र इरादों से होते हैं जो मोदी जी में है। मोदी जी और चलिए अब खबरें फटाफट।